Ladies and gentlemen, they are young, they are vibrant, and they are here to win. Give it up for Unani Bolton! बुनेरी पल्टन की टीम देखिए कितनी रिलैक्स है इस वक्त, और ये इनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दर्शाती है कि भले ही ये एक यंग एंड वाइब्रेंट यूनिट है लेकिन कॉन्फिडेंस इनका सातवें आसमान पर। बुनेरी पल्टन की टीम आ चुकी है पटना पायरेट्स के गढ़ में उन्हीं को ललकारने के लिए। पायरेट्स ज्यादातर जाने जाते हैं कि दूसरों के समंदर में जाकर वो आतंक मचाते हैं, लेकिन अब कोई उन्हीं के घर में आया है उन्हीं को चैलेंज करने के लिए। उम्दा टीम है, पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड अगर देखें केवल 1 हार उन्हें मिली है और वो भी उसे भुला देना चाहेंगे। पटना, make some noise for your home team, the Patna Pirates! ये हमने कल भी देखा था कि मनजीत टीम को लीड करते हैं, भले ही सचिन तंवर कप्तान है टीम के लेकिन वो मनजीत को अपने आगे भेजते हैं, और आज की शाम तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। सचिन तंवर ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ पटना पायरेट्स, असलम इनामदार कप्तान पुनेरी पल्टन के, और आज का डायरेक्ट रिकॉर्ड, डायरेक्ट बैटल होने वाला दोनों टीमों के बीच। पिछले 5 मैचेस के रिकॉर्ड देखें, 2 हार 1 टाई और 2 जीत, लेकिन सबसे बड़ी बात की जीत से निकल कर आ रहे हैं। जी हम सबकी निगाहें हैं सचिन तंवर के ऊपर, 123 रेट पॉइंट, 8.2 का औसत है इनका, 6 सुपर 10 लगा चुके हैं सीजन में। रिलैक्स्ड कैप्टन ऑफ पटना पायरेट्स। पुणे वर्सेस पटना मुकाबला शुरू होने वाला है, कुछ ही देर पहले टॉस हुआ और इस टॉस में पटना पायरेट्स ने टॉस जीता है। पहली रेड है पुनेरी पल्टन की, 1-1 रेडर है, हम नहीं बता सकते कौन पहले आएगा। तैयार हो जाइए इस बेहतरीन मुकाबले के लिए। एक तरफ पुनेरी पल्टन हैं जो आज टेबल के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पटना पायरेट्स हैं जो लगातार तीसरी जीत दर्ज करना चाहते हैं। कौन अपने मंसूबों में कामयाब होगा? पुनेरी पल्टन पिछले 5 मैचेस में थोड़ा सा हल्का पड़े हैं, एक मुकाबला टाई खेला है, एक में शिकस्त झेली है, बाकी 3 मैचेस जीते हैं। बहुत ही शानदार टीम, स्वागत आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मंत्रमुग्ध और कबड्डी का एक जाना पहचाना नाम ऋषंक देवड़ी का। स्वागत मंत्र, स्वागत ऋषंक। बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा, और ये बोनस अटेम्प्ट जरूर किया असलम इनामदार ने पर विफल रहा। सचिन तंवर कप्तान पटना पायरेट्स के, नए नए कप्तान हैं लेकिन एक बहुत पुराने खिलाड़ी, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर बोनस अटेम्प्ट किया है। ओ बैक किक, सचिन तंवर ने पॉइंट उठाया, शुरुआत पटना पायरेट्स की। आज स्टडी करके आए पटना के रेडर्स, उनको पता था कि आगे अटैक करने जाते ही जो डिफेंडर्स है वो पीछे से बैक शूट के लिए आते हैं, और वहीं पे रुक के अटैक किया और वो पीछे बैक किक करके संकेत सावंत को आउट किया। सचिन ने अपने ही ट्रैप में फंस गए संकेत सावंत, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के शुरुआत नहीं कर सकते, और हर मुकाबले में एक तरह से नहीं खेल सकते, आपको हर मुकाबले के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, और यहां पैरों पर गए किशन धुन ने मोमेंटम तोड़ा और बाकी डिफेंस में काम किया। पटना ने डिफेंस और रेडिंग दोनों में शुरुआत की, बहुत ही जबरदस्त टैकल है किशन धुन का, अंदर आते हुए दिखे मोहित, पैरों पर जाके रोका, मोमेंटम तोड़ा, पूरे टीम का सपोर्ट और साथ में जो फैंस थे वो भी खुश होते हुए। जी बिल्कुल, पटना पहुंचे हम कई सालों के बाद, और कबड्डी के चाहने वाले भारी मात्रा में है। पुनेरी पल्टन का इस सीजन का डिफेंस नंबर 1 रैंक पर है, देखे ये नंबर 1 रैंक का डिफेंस क्या जलवा दिखाता है, दिखाया है। गौरव खत्री वहां पर मौजूद थे, दोनों पैरों पर एक साथ गए, मनजीत को बाहर किया गौरव खत्री ने, बहुत डीप चले गए मनजीत, सीधा दौड़े गौरव खत्री के पास, मौका दिया पैरों पर जाने का। संदीप आए हैं रेड पर, 6 का डिफेंस है संदीप के लिए, शादुलु ने कमाल किया, 231 करियर का शादुलु का, बहुत ही जबरदस्त टैकल, वो एंकल होल्ड किया, दोनों ने किया था पंकज मोहिते और शादुलु ने, दोनों पैरों पर गए, बोनस लेने में कामयाब रहे संदीप कुमार।
बोनस जरूरी रहेगा दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस बढ़िया खेल दिखा रहा है। पटना पायरेट्स ने कल का मुकाबला अपने डिफेंस के बलबूते पे जीता था। मयूर कदम बढ़िया खेले थे कल की शाम। बिल्कुल मंत्रा, 13 टैकल पॉइंट्स थे पटना पायरेट्स के कल, और मयूर कदम ने 6 पॉइंट्स हासिल किए थे। यहां बाहर किया किशन ढुल को, तो शुरू से 2-0 से ट्रेल कर रहे थे, अब देखिए पुनेरी पलटन लीड करने लगे। बिल्कुल फुटवर्क से टेम्प्ट हो गए किशन ढुल। स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे लग रहे हैं, और सचिन ने अपने फैंस को खुश किया, एक बार फिर खबर को बाहर किया। अभिनेश नटराजन के प्रेशर में आ गए, बहुत ही अच्छा ये रनिंग एंड टच स्ट्रेच करके वो अभिनेश नटराजन को अटैक किया। इस बार बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते, पंकज मोहिते गए हैं डू और डाई में। तो 5 के डिफेंस में डीप जाकर कोशिश करनी होगी पंकज मोहिते को, देखना होगा कि मयूर कदम पे वो हैंड टच सक्सेसफुल होता है या नहीं, पर सेल्फ आउट कर दिया मयूर कदम को। यहां तो तोहफा मिला है पटना की तरफ से पुणे को, डू और डाई रेड थी, रिस्क लेना पंकज मोहिते का काम था, लेकिन प्रेशर में आए पटना पायरेट्स के डिफेंस और मयूर कदम सेल्फ आउट। शुभम शिंदे भी दिखाई दिए लगातार, उन्हें स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं मिल रही है आकाश शिंदे, और यहां 5 के डिफेंस में डू और डाई। घेर लिए जा रहे थे लेकिन शाबलू और सचिन के बीच ये बेहतरीन टसल, मोहित गोयत ने एंकल होल्ड किया। बहुत ही जबरदस्त रेड ये, बोनस करने की कोशिश थी, डीप गए थे, मौका दिया मोहित गोयत को एंकल होल्ड करने का, और उसके पहले बहुत बहुत बाल बाल बचे थे। बिल्कुल एक बार अटेम्प्ट हुए थे यहां पर, रॉब सुपर टैकल कामयाब हो सकता है लेकिन नहीं, कामयाबी मिली मोहित को और बाहर गए एम बाबू। एम बाबू 2 मैचेस बढ़िया खेले लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ठंडे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मोहित गोयत एडवांटेज लेते हैं ऐसे डिफेंस का, डीप गए रनिंग हैंड टच करके बाबू एम को आउट किया। मंजीत बोनस की कोशिश, हालांकि बोनस लेने में कामयाब रहे, ये देखना होगा कि रिवाइव करते हैं या नहीं। बोनस पॉइंट, खाली रेड करके वापस पहुंचे हैं मंजीत, बोनस मिला है। प्लीज कम, एक यहां पर चेंज किया गया है और उसकी वजह एक डिफेंस मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सुपर टैकल की सिचुएशन, मोहित गोयत ने आते ही टच किया और बाहर कर दिया अर्पित सरोहा को जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे। नंबर 16 आउट, बहुत ही आसान रहा वो पॉइंट मोहित के लिए, चौक लिया वेट किया, हालांकि काफी वक्त बचा है आज के इस मुकाबले में, लेकिन ऑल आउट तो ऑल आउट होता है, उससे बचाना बहुत जरूरी पटना पायरेट्स को अपने आप को। बढ़िया बैक किक एक बार फिर शादू के ऊपर, और पूरी की पूरी पुनेरी पलटन टूट पड़ी मंजीत पे। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स पुनेरी पलटन, बोनस पॉइंट जरूर मिलेगा लेकिन ऑल आउट हुई पटना पायरेट्स, और ऑल इन भी होगी। कबड्डी में मौका मिलता है ऑल इन होने का, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता, जब मौका मिले ले पंगा, जैसे पुनेरी पलटन ले रही है पंगा इस वक्त। तीसरे रेडर्स का भी बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहां डिफेंस ने काम किया, मयूर कदम ने आज पहला टैकल पॉइंट यहां कामयाबी के साथ हासिल किया। बहुत ही जबरदस्त टैकल वो चेन लेके आए थे मयूर कदम, पूरे टीम का साथ मिलता हुआ उन्हें, जबरदस्त टैकल। ये क्या किया अंकित, मौजूद थे बहुत ही आगे, इस टैकल का इस डिफेंस की कोई वजह दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस थे अंकित, मौका था नहीं, अगर चेन लेके आते शायद कंप्लीट कर पाते, पर खड़े के खड़े रह गए। पटना पायरेट्स की डू और डाई रेड है ये, संदीप कुमार आए हैं आज की शाम, संदीप को केवल 1 पॉइंट मिला, कल बढ़िया खेले रहे और उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और लेकर गए हैं अभिनेश नटराजन को बाहर किया।
थी और डू और डाई में सचिन को भेजा गया और वो कामयाबी के साथ लौटे। संदीप को भेजा गया, अभिनेश नटराजन को बाहर किया और यहां असलम इनामदार 3 points पिछले 5 raids में। बहुत वक्त, एक अकेला डिफेंडर टूट पड़ा और काफी नहीं था। नंबर 4 आउट, कृष्ण डुल बाहर, बहुत ज्यादा एडवांस। सचिन तंवर, ओहो तोहफा मिला है मोहित गोयत ने, तोहफा दिया है सचिन तंवर को। जो लीड मिली है पुनेरी पलटन को अब धीरे धीरे गवा रही है। बिल्कुल डिफेंस इसी तरह से पॉइंट गवा रहा है पलटन का। संदीप आए हैं, बिहार के ही हैं और क्या बढ़िया प्रदर्शन। संकेत सावंत को बाहर किया, संकेत सावंत अपने को संभाल नहीं पा रहे, दूसरी बार बाहर गए संकेत सावंत एक ही शैली से। बिल्कुल पुणे के डिफेंस को थोड़ा संभलना होगा, बैक शूट के लिए बार बार आ रहे हैं और वहीं पे चकमा खा जाते हैं रेडर से। मयूर कदम, पैरों पर गए मोहित गोयत के, मोमेंटम तोड़ा। बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिखे हैं मयूर कदम, ये दूसरा मैच इनका। टीम का सपोर्ट मिला उसके बाद। पंकज मोहिते ने इनिशिएट किया, एंकल होल्ड किया और मंजीत को किया बाहर। एक एक पॉइंट के लिए यहां पर कश्मकश, मंजीत को बाहर जाना पड़ा। ये देखिए, हाथ लगाया और मोमेंटम तोड़ दिया। 5 खिलाड़ी हैं इस वक्त मैट पर, बोनस नहीं है यानी टच पॉइंट लेकर ही जाना पड़ेगा। और पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा। आखिरकार एम बाबू ने एक पॉइंट उठाया अपने लिए। बैक टू बैक आउट हो रहे थे लेकिन ये पहले हाफ के अंत से पहले ये टैकल इनिशिएट करना और कामयाब होना उनके कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आएगा। और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त हुआ इस मुकाबले का, पटना वर्सेस पुणे। बिल्कुल 3 बड़ी कहानियां इस मुकाबले की, जहां पर पटना पायरेट्स ट्रेल कर रहे हैं डिफेंडर्स की बदौलत। पलटन ने 5 points की लीड ली है। असलम इनामदार सुपर 10 की दहलीज पर पहुंच गए हैं, 7 red points से उनके। और पटना के रेडर्स पुणे के कवर्ड डिफेंडर्स को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन असलम इनामदार को एक भी बार आउट नहीं कर पाई है। ये मैंने कहा है, केवल इसीलिए कहा है कि पटना पायरेट्स वालों ने कहा है कि आपको एक लिट्टी चौखा खिलाएंगे। बिल्कुल, और यही करना होगा पटना की डिफेंस को, अटैक करके खेलना होगा। जब असलम इनामदार वो बोनस की कोशिश करते हैं, टो टच के ले जाते हैं, तब अटैक करना होगा। सचिन तंवर डू और डाई में आए हुए हैं, 5 का डिफेंस है, मुश्किल होगा। जितना वक्त लेंगे उतना परेशानी में पड़ेंगे। कमाल प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन, जो रिफ्लेक्सेस देखने में मिले वो असाधारण थे सचिन के। एक नहीं 2 points लेकर के गए डू और डाई में और दोनों कॉर्नर्स को आउट किया, गौरव खत्री और शादलू। बहुत ही बेहतरीन जंप, पता था गौरव खत्री पैरों पर आएंगे उसके। बिल्कुल, काफी लोकप्रिय है प्रो कबड्डी। अगर आप पटना का जिक्र करें, बिहार के कुछ हिस्सों का जिक्र करें, डू और डाई में आज की रात एक कामयाब और एक नाकामयाब पुनेरी पलटन की। इस बार पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा है। मयूर कदम के नाम ये पॉइंट जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी मयूर का। बिल्कुल सिंगल गए थे डैश के लिए, मोमेंटम तोड़ा मयूर कदम ने। नंबर 13 प्लीज। अटैक कर रहे हैं मंजीत लगातार संकेत सावंत के ऊपर। संकेत सावंत ऑलमोस्ट शादलू की स्टाइल में वहां पे डिफेंडिंग कर रहे हैं और फेंक दिए गए बाहर। एकदम पीछे तक आए थे संकेत सावंत जहां तक गुंजाइश थी और जैसे ही रेडर आगे गया डिफेंस ने काम कर दिया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डीप गए और ये भी बहुत अच्छे रेडर हैं आदित्य शिंदे। और इस तरह के रेडर्स जब आप ऐसे वक्त पर चेंज करते हैं तो अक्सर वो पॉइंट्स में आते हैं। लेकिन यहां बात उल्टी हो गई, दोनों थाइस पर एक शान गए अंकित जगलान। फुटवर्क लगातार कर रहे थे आदित्य शिंदे और सीधे दौड़े अंकित जागलान के पास। मौके का फायदा उठाया, वो डबल था, आउट करके रोका।
अंकित ने आदित्य को। मौका है पटना पायरेट्स के पास, अगर इस गेम में वापसी करनी है उन्हें ये रेड कंप्लीट होनी पड़ेगी, जो कि नहीं कर पाए पुनेरी पलटन। इसी कारण इस सीजन में अच्छा कर रही है, लेकिन सचिन तंवर की खुशी का कारण ये। बिल्कुल, अगर सेल्फ आउट है तो सचिन जो है वो सेव दिए जाएंगे, क्योंकि संकेत सपोर्ट के लिए आए थे। सचिन तंवर के पास मौका ऑल आउट करने का, और पुनेरी पलटन के पास मौका उन्हें सुपर टैकल करने का। बिल्कुल ड्रॉप, सुपर टैकल यहां कामयाब हो सकता है, लेकिन कितने पॉइंट्स ऑल आउट हो जाएंगे इसके साथ ही पुनेरी पलटन। स्टेडियम का उठता हुआ शोर यह बताने के लिए काफी है कि पटना पायरेट्स ने इस मुकाबले में असाधारण वापसी की है। शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं। मौका है पायरेट्स के पास अभी किस मुकाबले को जीतें, और पुनेरी के पास मौका है कि वापसी करें पंगा लें। यहां पर तो बोनस ऑन नहीं है, यानी पंकज मोहिते को टच पॉइंट के लिए ही जाना होगा। यहां और एक बार फिर से मयूर कदम। जब आप पटना पायरेट्स के खेमे में आए तो भूख भूख कर कदम रखें, क्योंकि मयूर कदम वहां मौजूद है। पिछले मुकाबले में 6 टैकल पॉइंट और अब तक 4 सक्सेसफुल टैकल, और ये देखिए दोनों पैरों पर एक साथ गए थे। एक पॉइंट की लीड फिर पायरेट्स के पास, और यहां पर वो लीड फिर बराबर। ये हुआ ना मुकाबला संजय दा, ये हुआ दो का कड़क टीमों के बीच का मुकाबला। उनको किक करने की कोशिश थी शादलू पर, 5 का डिफेंस आदित्य शिंदे के लिए, अंदर गए एंड लाइन तक धकेला सचिन तंवर को, लेकिन कामयाबी मिली नहीं, और ये कामयाबी मिली पटना की डिफेंस को। बेहतरीन टैकल किया, पॉइंट किसको जाएगा, अंकित को या सचिन को? सचिन को गया दादा, सचिन तंवर ये पहले ही बेंड हो गए थे, पहले ही झुक गए थे, और कप्तानी पारी खेल रहे हैं सचिन तंवर। बोनस करने की कोशिश, एंकल होल्ड करके रोका कृष्ण दुल ने। बेहतरीन मुकाबला चल रहा है इस वक्त पटना में, पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पलटन। ये सीजन 10 के सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक गिना जाएगा। दोनों कोचेस नरेंद्र रेडू और बीसी रमेश अपनी टीम्स को संचालित करते हुए। मयूर कदम पर नजर डालनी होगी, बहुत ही बेहतरीन वो टैकल, रेडी थे, लग रहा था कि वो टैकल इनिशिएट करेंगे। हाई फाइव पूरा किया मयूर कदम ने। तेलुगु टाइटन शायद दुआ मांग रही होगी कि पुनेरी पलटन आज का ये मुकाबला जीते, और यहां पॉइंट लेकर गए हैं शादलू। क्विक रेड डाली उन्होंने पटना पायरेट्स, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट्स गवाने नहीं होंगे पायरेट्स को, बड़ी मुश्किल से ये लीड मिली है। एक खतरनाक डिफेंस यहां पर टूटा सचिन तंवर पर, वन पॉइंट पुनेरी पलटन, और चूंकि डू और डाई था, कोई चारा था नहीं उनके पास, फासला थोड़ा सा कम हुआ। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चेन लेकर आए थे गौरव खत्री, मौका दिया नहीं एस्केप करने का शादलू। शादलू ने ये साबित किया है यहां पर कि वो ऐसा कुछ नहीं है जो कबड्डी में जो नहीं कर सकते। ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन था, ग्रिप बना नहीं पाए पटना पायरेट्स। बिल्कुल शादलू जाएंगे, 4 का डिफेंस है और शादलू जाएंगे। बहुत ही सही समय पर ये पटना पायरेट्स की डिफेंस का तहलका, ये गलत डिसीजन हो सकता है शादलू को भेजना।
बहुत डीप चले गए थे, अंदर गए, मौका दिया डिफेंस को अटैक करने का। और अंकित की तारीफ, दोनों पैरों पर जाके मोमेंटम तोड़ा शादनु का। मुझे लगता है शादनु खुद ब खुद गए थे, ये फैसला उनका अपना था, पिछली रेड में कामयाबी मिली थी और उसी से उनकी हौसला अफजाई हुई, वो खुद गए। मंजीत यहां टाइम निकाल रहे हैं, इसके बाद पुनेरी पलटन की तो एक रेड आएगी, क्या पायरेट्स की एक आध रेड और हम देख सकते हैं, बिल्कुल उसकी संभावना है। बिल्कुल एक पुनेरी पलटन की रेड आएगी, एक पायरेट्स की आएगी, मुझे ऐसे लगता है एक पॉइंट यहाँ पे असलम इनामदार को तोहफे के तौर पर दे सकती है। असलम इनामदार ने कमाल किया, एक पॉइंट और लेकर के गए, पटना फंस गया, डू और डाई में। अगर आप एक पॉइंट नहीं लाए तो ये मुकाबला टाई पर खत्म होगा। पटना के लिए जरूरी है कि डू और डाई में पॉइंट लेकर आए। डिफेंस देखिए कहां खड़ा हुआ है, बोनस तो किसी सूरत में नहीं देगा, बॉक लाइन भी क्रॉस करने दे तो कृपा है, हालांकि उसका कोई मतलब होगा नहीं, मनजीत को पॉइंट लाना होगा। जाहिर है ये मुकाबला हम एक और टाई देखने वाले हैं। ये देखना होगा कि मनजीत जो है वो पॉइंट, बोनस, बोनस, इसे कहते हैं दिमाग का खेल, बोनस लेकर गए हैं मनजीत। ये मुकाबला टाई हुआ है, जैसा कि क्लियरली ऋषांग कह रहे थे कि अगर आपका पैर लैंड होने से पहले डिफेंडर ने उसे टच कर लिया है तो वो बोनस नहीं दिया जाता, लेकिन तारीफ करनी होगी मंजीत की और उनकी समझदारी की, बहुत करीबी मुकाबला निकल गया ये। बिल्कुल सीजन 10 का सातवां टाई हमने देख लिया, पटना पायरेट्स की क्या जबरदस्त वापसी देख ली, और सबसे बड़ी बात कि तेलुगु टाइटंस का आज हमने विदाई भी देख ली, प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो गए हैं तेलुगु टाइटंस, और अब 11 टीमें बची हैं जिनमें से 6 क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए। असाधारण मुकाबला पटना पायरेट्स ने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया, पहले 10 मिनट अगर छोड़ दें तो पटना पायरेट्स का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। पुनेरी पलटन टॉप पर चले गए हैं, इसके साथ ही जहां तक पुनेरी पलटन का सवाल, कुल मिलाकर 63 पॉइंट्स और स्कोर डिफरेंस प्लस 166, और ये अंतिम दो रेड्स जिन्होंने गेम का पासा पलट दिया, असलम इनामदार की ये छलांग और फिर मजीद का आउट होना, सारा का सारा पासा पलट गया यहां पर। अभी भी कई लोगों का मानना होगा कि शायद उनका पैर पहले टच हुआ, लेकिन अब ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। हरी पट्टी पायरेट्स की और ये ऑरेंज पट्टी जो है ये पुनेरी पलटन की। देखें किस तरीके से पुनेरी पलटन हमेशा से लीड कर रहे थे, पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में बराबरी रही, तीसरे हाफ में पायरेट्स ने टेक ऑन किया और अंतिम चरण में पायरेट्स तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार ये मुकाबला टाई पे समाप्त हुआ है 32-32 पे। और इस रिजल्ट का सबसे बड़ा असर रहेगा हैदराबाद की टीम तेलुगु टाइटंस के ऊपर, जो अब प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो गई है। पवन सहरावत की टीम अब प्लेऑफ्स नहीं खेलेगी।